हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो हमारे पास हैंडसेट है, ये है एमआई का पोको एक्स टू। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये फोन हमारा जो है ओपन हो रहा है, और इसमें ये देखेंगे हमारा टच नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये टच नहीं काम कर रहा है, तो हम इसको डायग्नोस करेंगे कि ये टच हमारा कहाँ से दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल नहीं काम कर रहा है पोको एक्स टू, टच नॉट वर्किंग। तो हम इसके फॉल्ट को सबसे पहले डायग्नोस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ फोन को डिसेंबल कर लिया है। ठीक है, डिसेंबल कर लेने के बाद हम सबसे पहला आ जाएंगे यहाँ डिस्प्ले सॉकेट के पास। ठीक है, डिस्प्ले सॉकेट के पास हम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा इसका डिस्प्ले का सॉकेट, इसी में हमारा टच भी होता है। और डिस्प्ले के सॉकेट को पहचानने का आसान सा तरीका है कि यहाँ पे हमारा ये मीपी लाइन होता है, इसलिए ये हमारा डिस्प्ले का सॉकेट होता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है कि हम देख लेंगे, थोड़ा सा बॉर्डियो का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे पोको एक्स टू के डायग्राम पे। ठीक है, ये इसका लेआउट है, यहाँ से हम इसको सर्च करेंगे, कॉपी करेंगे और डायग्राम में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ये हमारा है, इसमें आप देखेंगे कि ये सारा जो है हमारा टच का लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है टोटल ये टच का लाइन है। अब ये टच का लाइन हमें देखना है, बाकी लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, टच की लाइन को पकड़ना है। तो सबसे पहले ये देखिए एलसीडी का थर्मल लाइन है, ये तो ठीक है, ये टच का रिसेट है, इंटरप्ट है, एसपीएमआई, क्लॉक, विसो, मोसी और सीएस। तो हम सबसे पहला ये सब लाइन में देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ सीपीयू के नीचे में लगा हुआ है, जो कि ये किसके किसके बीच में है ये रेजिस्टेंस। तो इस लाइन को अगर आप आगे लेके बढ़ेंगे तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सीपीयू में, सीपीयू में जा रहा है। तो सिर्फ बीच में एक रेजिस्टेंस है, बाद बाकी कोई कंपोनेंट्स नहीं है। तो हम इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस पे हमें जीआर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये हमारा डिस्प्ले को कितने नंबर पिन पे जाता है। तो यहां से आप आएंगे तो ये डिस्प्ले के हमारा 2 नंबर 3 नंबर पे जा रहा है, 1 2 ये 3 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका और है कि इसका बिटमैप दिया गया है, उस बिटमैप में आप देख लेंगे कि ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमें पता चला कि ये सीपीयू के नीचे है, 1 2 3 तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस कहाँ है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 1 2 3 तीसरा। ये किधर जा रहा है, देखिए सीपीयू में जा रहा है और यहां से ये जा रहा है डिस्प्ले के सॉकेट पे, यहां से डिस्प्ले के 2 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर पे जा रहा है, हम 2 नंबर का सबसे पहले जीआर मिला लेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। 2 नंबर का हम जीआर चेक कर लेंगे। ये है हमारा 2 नंबर, इसका हम सबसे पहले जीआर चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ का जीआर ओके है, इसका मतलब है कि इसके आसपास ही हमारा बाकी टच का लाइन होगा। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, 8 नंबर ग्राउंड है। ये प्रिंट से भी पता चलता है कि ये हमारा ग्राउंड है, थोड़ा सा मोटा लाइन होता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए अब आपको दिख गया होगा कि ये चौली लाइन है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। ओके, ये चौली लाइन है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। लेकिन
बाकी जो है जैसा कि हमारा एक नंबर ओके है, दो नंबर ओके, तीन नंबर भी ठीक है, चार नंबर भी सही है, पांच नंबर भी सही है, छह नंबर हमारा मिसिंग है, सात नंबर ओके है। ये छह नंबर हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये छह नंबर को हम डायग्नोज करेंगे कि ये हमारा आखिर में है क्या। हम आ गए यहां से छह नंबर पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए छह नंबर पे आ गए। ये रेजिस्टेंस हमारा छह नंबर पे लगा हुआ है और ये जा कहाँ रहा है हमारा, ये सीपीयू में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है हमारा, सीपीयू में जा रहा है। तो अब ये छह नंबर हमारा सीपीयू में जा रहा है, तो आखिर ये छह नंबर कौन सी लाइन है, ये रेजिस्टेंस से हमें पता चल जाएगा। अब हम आ जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद यहां से हम इस रेजिस्टेंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायग्राम में पेस्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा लाइन है वो टीपी का एसपीआई मोसी लाइन है, ठीक है। ये लाइन हमारा मिसिंग है, मिसिंग मीन्स ये अपन है या रेजिस्टेंस से या फिर सीपीयू से। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो हमारा सॉकेट के जस्ट पास में ही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा 0 ओम का है, इसको हम चेक कर लेंगे बीप के लिए। देखिए रेजिस्टेंस ओके है, और इस पे अगर हम जीआर वैल्यू देखें तो इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, कहीं से हमारा जीआर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब टच का मोची लाइन जो है वो ओपन है, हमें ना सीपीयू निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिना सीपीयू निकाले ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारी सीपीयू का इंटरनल फॉल्ट है, यानी सीपीयू ड्राई हो चुका है, ये उसका प्रॉब्लम है, ओके। तो ये तो पता चल गया कि हमें अब इसमें फाइनली है कि सीपीयू पे काम करना है, हम अंदाजे में नहीं कर रहे हैं, डायग्नोस करके कर रहे हैं, ओके। तो चलिए अब हम इसका सील्ड निकालते हैं और सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार आप इस वीडियो में बने रहिए और समझिए कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ओके।
तो हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है एवरीवन, कंप्लीट हमने सीपीयू रिवॉल्व किया इसका। तो देख सकते हैं कि हमारा जो टच है वो वर्किंग हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली ये रिपेयर हो चुका है। तो किस तरह से हमने इसको किया आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा हमने आपके के सामने इसको रिपेयर किया, ये हमारा पोको X2। तो एवरीवन ये प्रोसीजर है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग में तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और स्क्रीन पे भी हमारा नंबर है, आप हमसे उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, डन।